नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया जिले के भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हुई ओलावृष्टि और अति वर्षा से फसलों में हुए नुकसान को विधायक रक्षा सरोनिया के प्रतिनिधि डॉक्टर संतराम सरोनिया ने खेतों में जाकर नुकसान को देखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सिंधिया को नुकसान की जानकारी देते हुए शीघ्र ही मुआवजे की मांग की जाएगी। डॉक्टर संतराम सरोनिया ने सोमवार को ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों जोरी, महदुआ, उड़ी, बेसोरा, गणेशपुरा, बोदर, सेंथिरी, तालगांव, सिमरिया, वेशेपुरा आदि का भ्रमण कर पीड़ित किसानों के खेतों पर पहुंचकर फसलों में हुए नुकसान को देखा और नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री जीतू दांगी, रामकुमार निरंजन, पवन धाकर, राकेश अटसेला, विवेक शर्मा उपस्थित रहे। सही बात है, ये पूरा डंठली चला गया, बिल्कुल पूरा भाई चक्कर, मटर तो खत्म ही हो गए, मटर तो 100% देखो, चना और आपकी मसूर और काला मटर, तीन चीजें तो सरसों में भी। आप किस ग्राम से हैं? हम ग्राम गणेशपुरा से हैं। पंचायत? पंचायत उड़ी आती है। अच्छा अच्छा, ये अभी आपके यहाँ जो ये ओलावृष्टि हुई है, हाँ। तो यहाँ फसलों को कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव हैं आपके क्षेत्र के आसपास? हमारे क्षेत्र में मारौली, तालगांव, बड़ौरा, ज्योरी, बिसेपरा, पोथरा, राखरा जो अपने क्षेत्र में आते हैं लार भिंड जिले से हट करके और दतिया जिले में बेसोरा है, तालगांव है, जी ऐसे होते हुए सुवर्ण राखरा है, पड़ी है, तो जी सूट बनी यहाँ से, हाँ। तो जी ओलावृष्टि की तो सबसे ज़्यादा सरसों, चना, मटर इनको ज़्यादा नुकसान है, जो कि पिसी छोटी छोटी थी तो वो ओला गिरा तो पिसी में डैमेज हुआ, पिसी वहीं दब गई, तो वो 50% तो कृषि का नुकसान। आपके क्षेत्रीय विधायक आपके पास आए थे अभी? हाँ, क्षेत्रीय विधायक आए थे और बरोबर लोगों के संपर्क में फोन से भी उन्होंने कहा है हमसे कि आश्वासन दिया है कि आपकी हर संभव प्रयास और मदद करेंगे और हमारी मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है कि नहीं हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए जल्द से जल्द, और विधायक जी अभी राउंड पे हैं क्षेत्र में, यहाँ भी आए हैं। ठीक, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।